लोगों के अजम्पशन का गेम है, लोग अज्यूम कैसे कर रहे हैं। लेफ्ट डिजिट जो है प्राइस की, उसको एक से कम कर दो। करण, प्लीज टेल अबाउट हाउ टू इंक्लूड पैकेजिंग प्राइसिंग इन दी सेलिंग प्राइस। तनुश, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ चाय सुट्टा। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बड़ी बन जाती हैं जब एक साथ सब कलेक्शन में यूज करेंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, कैसे आप अपने बिजनेस में प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करके लोगों को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ज्यादा बेच सकते हैं या फिर लोग आपसे ज्यादा बाय करेंगे। राइट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे, एंड स्पेशली अगर आप फूड बिजनेस में हैं, क्लाउड किचन ओनर हैं, तो टुडेज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू हेल्प यू। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, जो पहली प्राइस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं आपके मेन्यू की, अगर हम बात कर रहे हैं आपके डिस्प्ले की, अगर हम जिस भी चीज की बात कर रहे हैं जहां पे आपने मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं, अक्सर क्या होता है हम सबसे पहले सस्ता रखते हैं और फिर महंगा करते जाते हैं। द गेम इज अपोजिट, फर्स्ट प्राइस शुड बी द हाईएस्ट वन। नाउ व्हाई आई एम सेइंग सो, क्या होता है कि जब पहली प्राइस आदमी देखता है तो दिमाग में एंकर बन जाता है। एंकर क्या होता है, जैसे शिप को रोकने के लिए एंकर यूज किया जाता है, तो एंकर जो होता है वो इंसान को काइंड ऑफ वो उसका मेजरमेंट पॉइंट बन जाता है। अब आदमी वहां से कंपेयर करना शुरू करता है, पहला प्रोडक्ट 50 रुपए का, दूसरा प्रोडक्ट 100 रुपए का, तीसरा 200 रुपए का, तो 200 वाले तक तो बहुत महंगा लग रहा है, राइट। बट पहला प्रोडक्ट मान लो 200 का है और दूसरा 150 का है, कम लग रहा है, इमेजिन दैट। सो जैसे ही प्राइसिंग कम होती जाती है उसके अगले प्रोडक्ट्स की, शुरुआत महंगे प्रोडक्ट से होने के बाद, तो दिमाग को अनकॉन्शियसली फील होता है कि अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल है नीचे, और वो ज्यादा नीचे देखता है, ज्यादा चांसेस होते खरीदने के। लेट मी गिव यू नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज ऑफर अ डिकॉय ऑप्शन। डिकॉय क्या होता है बेसिकली, अगेन मैं सिंपल भाषा का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं, डिकॉय क्या होता है, फेक ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन जो कि उनको आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो बेटर फील कराए। अगेन हम ह्यूमंस जो होते हैं दूसरों से चीजें कंपेयर करते हैं, हमें पता नहीं है कि क्या महंगा क्या सस्ता, हमें एक्चुअली पता नहीं है जब तक हमें किसी से रेट ना मिल जाए। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी खरीदने जाते हो, पहले आप उसका रेट पता करते हो, आपको पता चल जाता है अच्छा ये चीज लगभग इतने की होती है, उसके अकॉर्डिंग आपके प्राइसिंग का दिमाग में गेम चलता है। सो दैट्स हाउ, जब मैं बात कर रहा हूं ऑफर डिकॉय ऑप्शन की, अभी मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है और कम्युनिटी के मेंबर हैं, क्लाउड किचन कम्युनिटी, यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लाउड किचन हब, राइट। सो ये हमारा इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लाउड किचन कम्युनिटी बन चुकी है। तो इसमें एक हमारी स्टूडेंट है जिनका ब्रांड है आई थिंक केक्स एंड क्रम्बल्स, और ये पुणे से। नाउ अमेजिंग बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है जब आप लोग अप्लाई करते हो अपनी लर्निंग्स और शेयर करते हो मुझसे और आपका फ़ायदा होता है, तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। अब क्योंकि इनका केक का ब्रांड था तो सब कोई, ये 1 पाउंड का मिनिमम केक देती थी और फिर 2 पाउंड एंड 3 पाउंड के केक्स थे, तो सब कोई पूछता था अक्सर इनसे कि मैम इससे सस्ता कुछ नहीं है क्या, 1 पाउंड से सस्ता दीजिए ना कुछ, सस्ता सस्ता सस्ता। अब 1 पाउंड का केक इनका लगभग 200-220 के आसपास था। सो इन्होंने एक डिकॉय ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। डिकॉय मतलब इन्होंने एक 1/2 पाउंड का ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया जिसके रेट सिर्फ 10-20 रुपये सस्ता रखा, मतलब 220 का अगर 1 पाउंड है तो 200 रुपये का 1/2 पाउंड है। अब कोई भी पूछता था इनसे कि मैम इससे सस्ता ऑप्शन है क्या, हाँ है ना, 220 की जगह 200 का 1/2 पाउंड केक ले लीजिए। अब आप 200 रुपये का 1/2 पाउंड लोगे या 220 का फुल 1 पाउंड लोगे केक, डबल मिल रहा है मतलब क्वांटिटी, सिर्फ 20 रुपये ज्यादा में, या कमेंट योर चॉइस 1 और 2, 200 या 220, 1/2 या 1, विच वन। सो जाहिर सी बात है लोगों ने 1 पाउंड लेना शुरू कर दिया और बिना अब कोई बहस नहीं करता, अब डायरेक्टली लोग जंप करते हैं सीधे 1 पाउंड के केक पे। ओके, लेट्स कम टू दी थर्ड पॉइंट, डिस्प्ले प्राइस इन स्मॉल फॉन्ट। क्या होता है कि अगेन ह्यूमंस हैं हम, इंसान हैं, हमें अगर सेम चीज बड़ी बड़ी लिखी हो ना तो बड़ी लगने लगती है, और वही बड़ी से बड़ी चीज छोटी लिखी हो ना तो छोटी लगने लगती है। ओके, साइकोलॉजिकल गेम है प्राइसिंग गेम, साइकोलॉजिकल गेम है, पूरा साइंटिफिक गेम है। अगर आपने
1,000 रुपए या 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए बड़ा बड़ा लिख दिया। इमेजिन अभी कैसा लगेगा, बहुत बड़ी प्राइस है। बट वहीं पे अगर प्राइस को अगर आप मे बी डिस्काउंटेड प्राइस दे रहे हो तो 25% ऑफ, 10% ऑफ, ये परसेंट ऑफ को बड़ा रखिए, लेकिन कंपैरेटिवली जब आप उसको उसकी जब प्राइस मेंशन कर रहे हैं उस प्राइस को फॉन्ट को छोटा रखिए, चाहे वो आपका डिस्प्ले मेन्यू हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट का हो, कहीं पे भी अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं अपना प्राइस, प्राइस को छोटा डिस्प्ले कीजिए, बड़ा प्राइस मत दिखाइए। बड़े प्राइस से फील आता है महंगा है, छोटा रखेंगे सेम प्राइस है लेकिन छोटा रखेंगे। इमेजिन कीजिए 99 बड़े में लिखा है और वही 99 छोटे में लिखा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। और जिसकी वजह से आप जो छोटे प्राइस है उसको सस्ता अनकॉन्शियसली फील करते हो, एंड दैट्स व्हाई पीपल गो फॉर दैट। या हाँ मैं रिफाइंड, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे मैं कोई रॉकेट साइंस चीजें नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बड़ी बन जाती हैं जब एक साथ सब कलेक्शन में यूज करेंगे। लेट मी टेक यू टू अनदर पॉइंट, रिमूव द कॉमा। ये खासकर जब आप मे बी सब्सक्रिप्शन में जा रहे हैं, ये खासकर मे बी जब आप एक बड़ी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, एलीट्स को टारगेट कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है जब हजारों में प्राइस जाती है तो हम कैसे लिखते हैं, 1,250 रुपीस, राइट। सो ये जो कॉमा है इससे अगेन इफेक्ट आता है कि बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं कह रहा हूं अगर इवन 9,999 है ना तो उसको सिर्फ 999 लिखो, रिमूव दैट कॉमा, इट्स ऑल इन द माइंड। कुछ महंगा सस्ता नहीं होता है अंटिल लेस बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, लाखों हजारों का डिफरेंस ना हो। अगर कोई चीज 1,000 रुपीस की है तो 1,200 में बहुत महंगी नहीं हो जा रही है, समझना। लेकिन स्टिल लोग कह रहे हैं 1,200 में महंगी, क्यों? क्योंकि आप ये साइंस यूज नहीं कर रहे। तो रिमूव द कॉमा। या सो आर यू रेडी टू अप्लाई ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर कर रहा हूं? अगेन क्लाउड किचन में है तो डेफिनेटली आप मेन्यू में यूज कर सकते हैं, और भी किसी बिजनेस में है तो दिस विल डेफिनेटली वर्क। या ओके नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस फीचर्स टू इंक्रीज प्राइस। ओके एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको अगर प्राइस बढ़ानी है, आपने किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस रखी, एक्स प्राइस रखी, मान लेते हैं आप चाय ले लीजिए, मेरे ही स्टूडेंट की कहानी बताता हूँ। इनफैक्ट चाय सुट्टा बार, अगेन इनके लगभग 80-90 फ्रेंचाइज बेच चुके हैं, एवरेज फ्रेंचाइज 10 लाख रुपये की सेल कर रहे हैं। सो 3 साल के अंदर इन्होंने 80-90 फ्रेंचाइज ऑलरेडी बेच दिए, दुबई लंदन तक पहुंच गए चाय सुट्टा बार। तो इनके फाउंडर से बात हो रही थी तो मैंने पूछा इससे रिलेटेड कि आपका कंपटीशन कौन था जब चाय आप बेच रहे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर थे, इन्होंने कहा हमारा कॉम्पिटिशन टपरी वाला था। अब टपरी पर जो चाय मिलती है वो 7 रुपये की थी, तो हमने भी चाय 7 रुपये की स्टार्ट की। मैंने कहा लेकिन आप तो मशीन वगैरह यूज़ करते हैं, आपके यहाँ वर्कर्स भी होते हैं, प्लस म्यूज़िक सिस्टम भी होता है, काफ़ी प्राइम लोकेशन भी होती है, तो 7 रुपये से फिर प्राइस कभी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी? कह रहे बिल्कुल पड़ी। तो मैं पूछा कैसे बढ़ाई, तो मैंने स्मार्टली बताया कि सर हमने 7 रुपये की चाय दी और फिर हमने 7 रुपये की चाय बंद करके 10 रुपये की चाय और बिस्किट का कॉम्बो लॉन्च कर दिया। ओके अभी 7 की चाय नहीं, अभी 10 की चाय और बिस्किट का कॉम्बो है। तो एकदम से जंप नहीं लगा लोगों को, लोगों को कैसा फील हुआ, क्योंकि चाय नहीं मिल रही, चाय के साथ बिस्किट भी मिल रहा है और 10 रुपये का है, क्योंकि जैसे ही 7 का 10 भी करते तो शायद लोग ड्रॉप हो जाते। या तो उन्होंने 10 रुपये का चाय और बिस्किट का कॉम्बो लॉन्च किया और 2-3 महीने तक उसी को चलाया, और फिर धीरे से वो बिस्किट की क्वांटिटी कम की और खत्म कर दी कि बिस्किट एड ऑन ले सकते हैं आप, बिस्किट नहीं अभी चाय है। तो जो चाय 7 की थी एकदम से 7 का 10 नहीं किया, या कई बार लोग क्वांटिटी कम कर देते हैं, 7 की चाय 7 की है लेकिन आधी हो गई, लोग खुश नहीं होते, लोगों को बुरा लगता है, क्या रे यार तुम पैसे लो ना यार लेकिन क्वांटिटी तो पूरी दो, और पैसे बढ़ाओगे तो भी बुरा लगेगा, यार पैसे बढ़ा दिए तुमने सेम चीज के। ओके अगेन लोग हैं, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा व्हाट वर्क्स। ओके साइंटिफिक है ये सारी चीजें, साइकोलॉजिकल है, कुछ सब दिमाग में है। ना 7 रुपये महंगा है, ना 10 रुपये सस्ता है, ना 10 रुपये महंगा है, ना 7 रुपये सस्ता है, सब से परस्पेक्टिव का गेम है। ओके लोगों के अजम्पशन का गेम है, लोग अज्यूम कैसे कर रहे हैं। अब लोगों को एकदम से आप प्राइस जंप ना करो, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करो ताकि प्राइस जब इंक्रीज हो
तो उनको कुछ मिला है साथ में, उनको और वैल्यू मिली है साथ में, तो अच्छा फील होगा और उसके बाद इट विल वर्क. बी प्रिसाइज विद लार्ज प्राइजेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल आपने सब्सक्रिप्शन निकाला या आपकी प्राइस जो है वो 1000 या अबव की है, ठीक है. आपका कोई एलीट टारगेट को आप टारगेट कर रहे हो, एलीट ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, महंगे लोगों को महंगा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो प्रिसाइज हो जाओ. मतलब डोंट पुट 999, डोंट पुट 1000, डोंट पुट 1050, ठीक है. 1050, 2000, 1500, ऐसे फिक्स प्राइस मत रखो. उसका प्राइस कैसा कर दो, 1462 रुपए, 1462 रुपीस. ओके, अगेन कॉमा तो लगाना नहीं है, तो हजार नहीं बोलना, 1462 है ना, 1462. तो इस तरीके से जब आप प्रिसाइज प्राइस रखते हो तो लगता है कि यार ये बहुत कैलकुलेशन के साथ रखी गई है और इसमें नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं है, इसमें भाव नहीं हो रहा है. दिस इज लाइक प्रिसाइज एक्यूरेट अमाउंट. या कुछ भी हो सकता है वो प्राइस. आपको सब्सक्रिप्शन देना था 3000 रुपए का, आप 3000 मत बोलो, आप उसको बोलो 3122 रुपए. ओके, या फिर 2971 रुपए. सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. या नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्ट डिजिट जो है प्राइस की उसको एक से कम कर दो, रिड्यूस लेफ्ट डिजिट बाय वन. नाउ ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आइडिया भी होगा, जैसे 1000 जब होता है तो बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन 999 छोटा अमाउंट लगता है, डिफरेंस 1 रुपए का है, लेकिन परसीव वैल्यू अगेन 3 ही अक्षर है ना, 3 ही डिजिट है, तो वो कम हो जाती है. या फिर ऐसा भी है, जैसे मान लीजिए 500 रुपीज़ की जगह 499, 498, 497 लिखते हो. अगेन US में 7 आखिरी में डिजिट बहुत काम करता है, इंडिया में 9 डिजिट आखिरी में बहुत काम करता है. उसका कोई लॉजिक नहीं है. 4999 भी 500 रुपए है, 500 भी 500 रुपए है, लेकिन 500 ज्यादा लगता है. लगता है, कुछ कर नहीं सकते, इसके अगेंस्ट मत जाओ. आप लोगों को बदलने जाओगे लाइफ कम पड़ जाएगी, लेकिन लोगों के हिसाब से आप अपनी चीजों को बदलोगे, आप जल्दी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे, ज्यादा लोगों की मदद कर पाओगे, उनको अपनी सर्विसेज दे पाओगे. इंट्रोड्यूस कॉम्बो प्राइसिंग. या मैकडॉनल्ड्स काफी फेमस है इस चीज के लिए. आप फ्राइज भी लेने जाते हो तो साथ में पूछता है फ्राइज और कोक लेंगे क्या. सो हर चीज के साथ कॉम्बो लगा दिया. या मैंने कई जगह देखा, फॉर एग्जांपल कोई बहुत अमेजिंग सा बेवरेज है, कुछ अच्छी ड्रिंक है, तो सिर्फ ड्रिंक्स नहीं मंगवा सकते, आपको खाने के साथ ड्रिंक्स मिल जाएगी, तो खाना कंपलसरी हो जाता है. तो जब आप कॉम्बो लगाते हो, कॉम्बो प्राइजेस बनाते हो, एक के साथ 2 चीज़ों की 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर देते हो लोगों को, तो होता क्या है, आदमी 100 रुपये का खर्चा करने आया था, वो 150 रुपये का खा के जाता है, 150 का आया था 200 का, तो आप उसका एवरेज जो खर्च करने का उसका मूड है वो आप इनिशिएट कर देते हो, क्योंकि आदमी सोचता है कि यार कुछ चलो खा ही रहे हैं, कुछ पीने को भी हो जाएगा. तो कॉम्बो प्राइजेस जो है वो चीज़ों को और प्राइस बढ़ाना आपका जस्टिफाई कर देती है. शायद जो आपने कॉम्बो में ऐड किया है उसकी इतनी प्राइस है भी नहीं, लेकिन आपने जब कॉम्बो में दिया तो ये और ये दोनों मिलकर मिल रहा है ना इतने का. या और सिंगल आइटम्स का प्राइस अगर आप हायर रखते हो और कॉम्बोज में सस्ता रखते हो तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि कॉम्बोज पे आदमी जाएगा. जैसे सिंगल फॉर एग्जांपल बिरयानी मिल रही है 200 रुपये की, और सिंगल कोल्ड ड्रिंक रखी है आपने या नहीं रखी है डिपेंड करता है, या लस्सी छाछ जो भी रखा है 50 रुपये का, कॉम्बो में आप यही 220 का दोगे तो देखोगे आप 200 की जगह 220 के ज़्यादा ऑर्डर आएंगे. या और वो आदमी जो 200 खर्च करने वाला था 220 खर्च कर रहा है, या शायद खर्च ही नहीं करने वाला था. अब उसके पास, पहले क्या होता है जब आपके पास ऑप्शन नहीं होते ना, तो या तो आप खरीदोगे या तो आप नहीं खरीदोगे, 50-50. बट जब आपके पास, आपने ऑप्शन दे दिया कि भाई या तो सिर्फ बिरयानी ले लो 200 रुपये की, या तो आप बिरयानी के साथ ये छाछ या ये जो भी ड्रिंक है इसका ऑप्शन भी दे दिया और 220 का है ये सिर्फ, या 210 का है सिर्फ, और फिर तीसरा ऑप्शन बचता है कि या तो आप मत लो, तो देख रहे हो 1/3 हो जाता है ना लेने का चांस. दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.